हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। तो जो चिल्ड्रन होता है, जो एक चाइल्डहुड का पीरियड होता है, या फिर आप बोल सकते हो इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है, या फिर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या होता है ना कि इन्फेंट है या फिर एक चाइल्ड है, वो अपने जो भी एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, उसी समय पे उसे क्या चाहिए होता है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एंड वो किससे मिलेगा, पेरेंट्स से ऑब्वियसली। बट समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं अपने वर्क में बिजी हैं, ठीक है, मदर एंड फादर हैं, दोनों ही वर्किंग हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो अपने इन्फेंट को या फिर चाइल्ड को इनफ लव, प्रोटेक्शन, केयर प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिनकी वजह से चाइल्ड और इन्फेंट में क्या होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम अभी बेसिक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि इन्फेंसी में या फिर चाइल्डहुड में अराइज हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी कॉमन हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। सो फर्स्ट है फीडिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो फीडिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फूड फैड, ठीक है, फूड रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मीन्स जो इन्फेंट है या फिर चाइल्ड है वो फूड को रिफ्यूज करेगा, मींस खाना नहीं खाएगा, ओवर ईटिंग करेगा, वॉमिटिंग, ओके, इम्प्योर्ड एपेटाइट, जो एपेटाइट है वो इम्प्योर्ड रहेगी, ठीक है, मतलब जो चाइल्ड है उसे भूख नहीं लगेगी, पीका। पीका जो है, इसे आप बोल सकते हो पीका एक ऐसी डिजीज है जिसमें कुछ ऐसी क्रेविंग होती है, ऐसे सब्सटेंसेस की क्रेविंग होती है जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्ले हो गई, या फिर चॉक हो गया, सोयल, ओके, पेपर, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो है इन्फेंट या फिर चाइल्ड अपने माउथ में लेने की कोशिश करेगा जिसकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, उसे हम बोलते हैं पीका। लास्ट वन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, जो चाइल्ड है वो बहुत ही ओवर ईटिंग करेगा, ज्यादा खाना खाएगा, जिससे उसका वेट गेन हो जाएगा, ओबेसिटी की कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है एनोरेक्सिया नर्वोसा से। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्फेंट है या फिर जो चाइल्ड है वो एनवायरमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें उसे चाहिए इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर उसे पेरेंट्स के थ्रू साइकोलॉजिकल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट आप बोल सकते हो नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिसऑबीडियंस। ठीक है, सब बातों में क्या करेगा, इन्फेंट डिसऑबे करेगा, कोई भी बात नहीं मानेगा। टेम्पर टेंट्रम्स, टेम्पर टेंट्रम्स में क्या होता है, पेशेंट ही है, अब उसे पेशेंट बोलेंगे, जो चाइल्ड है उसे क्या हो गया है, टेम्पर टेंट्रम की प्रॉब्लम हो गई है। इसमें क्या होगा, वो अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाएगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, ठीक है, क्राइंग करेगा। नेक्स्ट है मिसकंडक्ट। ठीक है, सो ये तो थी कुछ फीडिंग प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हैबिट डिसऑर्डर। हैबिट डिसऑर्डर्स इंक्लूड्स थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, ब्रक्सटिज्म। ब्रक्सटिज्म का क्या मतलब होता है, टीथ ग्राइंडिंग। ब्रक्सटिज्म मींस टीथ ग्राइंडिंग, ओके, हेड बैंगिंग। तो कुछ इस तरह की कंडीशन अराइज हो जाएगी, इन्हें हम बोलेंगे हैबिट डिसऑर्डर्स, ओके। स्पीच प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, जिनमें है अनक्लियर स्पीच, स्पीच क्लियर नहीं होगी, डिलेड स्पीच, मतलब जो इन्फेंट है वो लेट बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्टैमरिंग, जैसे हकलाना जिसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं स्टैमरिंग। स्लीप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जिसमें है स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना या नींद में बोलना, स्लीप टॉकिंग, एंड इंसोम्निया मीन्स लैक ऑफ स्लीप। इंसोम्निया मीन्स लैक ऑफ स्लीप, ओके, तो ये भी डिस्टर्बेंस प्रेजेंट रहेगी स्लीप प्रॉब्लम्स में, ओके। नेक्स्ट है इमोशनल प्रॉब्लम्स, जिसमें आता है फियर, एंगर, एंजाइटी, नर्वसनेस, नेगेटिविज्म्स, ठीक है, तो इमोशनल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, जेलसी, ओके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंटी सोशल प्रॉब्लम्स, विच इंक्लूड्स डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी मीन्स एंटी सोशल बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्शन हो जाएगा ड्रग का। नेक्स्ट है क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, कंपल्सिव स्टीलिंग। क्लैप्टोमेनिया मीन्स कंपल्सिव
स्टीलिंग, स्टील मतलब कुछ भी चुराना, और एक ऐसी कंपल्शन क्रिएट हो जाएगी चाइल्ड के माइंड में कि कुछ ना कुछ उसे चुराना है, कंपल्शन होगी उसे, ठीक है, इंटरनली उसे फील होगा, जिसे हम बोलेंगे क्लैप्टोमेनिया. नेक्स्ट है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जिसमें आता है मास्टरबेशन. मास्टरबेशन वैसे इसे हम बिहेवियरल प्रॉब्लम में नहीं काउंट कर सकते हैं, बट बुक्स में मेंशन है मास्टरबेशन अगर बहुत ही अगेन एंड अगेन कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसे ही हम बिहेवियर प्रॉब्लम में काउंट करते हैं, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. नेक्स्ट है सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, तो ये भी आता है सेक्सुअल प्रॉब्लम में. तो ये थी कुछ बिहेवियर डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन. अब हम देखते हैं कॉजेज कि इसके कारण क्या है, ठीक है, कि बिहेवियर डिसऑर्डर क्यों हो रहे हैं. एक तो हमने देखा कि अगर इन्फेंसी में या चाइल्डहुड में किसी को भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, साइकोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही है, तो दैट्स व्हाई ये डिसऑर्डर अराइज हो सकता है. सो हम देखें कॉजेज ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन. फर्स्ट कॉज इज फॉल्टी पैरेंटल एटीट्यूड. पैरेंटल एटीट्यूड, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है मीन्स बिहेवियर है वो क्या है, फॉल्टी है. देखिए किस तरीके से हुआ, पेरेंट्स जो है अपने चाइल्ड को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ओवर प्रोटेक्शन रखते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं चाइल्ड को, या फिर अंडर डिसिप्लिन रखते हैं, ओवर डिसिप्लिन रखते हैं, ठीक है. इस वजह से क्या हो सकता है, चाइल्ड के अंदर जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर अराइज हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स जो अराइज हो सकते हैं. नेक्स्ट है इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरमेंट, ठीक है, फैमिली का जो एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, फैमिली का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो लो है, फैमिली की जो कंडीशन है वो पुअर है, फैमिली में इलिटरेसी प्रेजेंट है, इलिटरेट जो पीपल है वो रहते हैं. इस वजह से क्या हो सकता है, जो चाइल्ड है उस पर यह हो सकता है बिहेवियर डिसऑर्डर अराइज हो सकते हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, चाइल्ड जो है वो अच्छे से सोशलाइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसके सोशल जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो क्या है, अच्छे नहीं है. तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, बिहेवियर डिसऑर्डर्स अराइज हो सकते हैं. सोशल चेंज जिसे हम बोलते हैं, सोशल चेंज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड पे, ठीक है. मास मीडिया का भी इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल फोन्स है, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, बिहेवियर डिसऑर्डर्स अराइज हो सकते हैं. सो अब हम देख रहे हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बिहेवियर डिसऑर्डर्स, ठीक है. नर्स की क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय एप्रोप्रिएट हिस्ट्री एंड डिटेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स. तो जो भी ऐसी प्रॉब्लम है, पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, आफ्टर दैट डिटेक्ट करना है, ये पता लगाना है कि फैक्टर ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बिहेवियर डिसऑर्डर को अराइज करने के लिए. नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है एंड उन्हें अवेयर करना है बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में, उन्हें बताना है कि ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं चाइल्ड में, ठीक है. एनकरेज करना है चाइल्ड को, जिसे भी ये बिहेवियर प्रॉब्लम अराइज हो गई है, कि वो उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करे, उसे हम इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. प्रमोटिंग हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बाय एडिक्वेट फिजिकल, साइकोसोशियल एंड सोशल सपोर्ट. तो हमें चाइल्ड को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली एंड सोशली उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ताकि क्या वो चाइल्ड जो है वो हेल्दी एनवायरमेंट डेवलप कर पाए, ठीक है. एंड काउंसलिंग सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं. सो आज हमने स्टडी किया बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, एंड जो जितने भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताए, इन्हें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. आज तो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन, ओके. सो आज हमने जो टॉपिक स्टडी किया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एंड डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट टू माई यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग विद एनएसटी.